nicely. I am Krishna Kumar Parde, your video coach, spoken English and personality development trainer. Today I have come here to guide you something extensive, some very important thing that I would like to discuss with you. अभी हम रिसेंटली 3 महीने के लॉकडाउन से बाहर निकले हैं और इस लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स सुने हैं जो हमें पहली बार सुनने को मिले होंगे और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको इन वर्ड्स में कंफ्यूजन है, जैसे कि भाई आइसोलेशन और क्वारंटाइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। हमने COVID-19 सुना, हमने कोरोना सुना, तो क्या इन दोनों में डिफरेंस हमको पता है? हमें डिजीज सुना है, हमने इपिडेमिक सुना है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये इन्हीं वोकैबुलरी पर आधारित है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। सो दोस्तों इस लॉकडाउन में कई बार हमने सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा। सो आइसोलेशन का मीनिंग होता है एकांत एंड क्वारंटाइन हैज द मीनिंग संगरोध। परंतु इनमें अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूं, सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दोस टू इज देयर कि आइसोलेशन का मीनिंग होता है एकांत। सो दोस्तों ऐसा व्यक्ति, इट मींस एनी पर्सन दैट इज सफरिंग बाय एनी डिजीज, मतलब उसको कोई ऐसी बीमारी है जो कि संक्रमण से किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंच सकती है, तो उसे दूसरे लोगों से जब अलग रखा जाता है, सेपरेट रखा जाता है और वहां पर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि वह उस बीमारी से ठीक हो सके, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द आइसोलेशन। सो आइसोलेशन इज अ नाउन, इसका मीनिंग होता है एकांत। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि इसका इंग्लिश में हमने मीनिंग दिखा है कि सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पीपल फ्रॉम हेल्दी पीपल, एंड इट इज सीरियसली इन एनी कॉन्टीजियस डिजीज। सो कॉन्टीजियस डिजीज का मीनिंग होता है ऐसे रोग जो कि संक्रामक हो, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसे वो बीमारी या उसमें उस वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट हो, यदि उसको अलग रखा जाएगा अन्य व्यक्तियों से, सो दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। एंड द मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन, सो क्वारंटाइन भी हमने सुना है कि भाई कोई व्यक्ति बाहर से आया तो उसको क्वारंटाइन में रखा गया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन? क्वारंटाइन एक तरह का नाउन है जिसका अर्थ होता है संगरोध। सो संगरोध को अगर मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आइसोलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पीपल हु सीम हेल्दी बट मे हैव बीन एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड डिजीज टू सी इफ दे डेवलप सिम्टम्स। यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि जिस पर एक शक हो कि इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको लोगों से सेपरेट रख के उसकी मॉनिटरिंग करना कि उसमें डिजीज के लक्षण कहीं डेवलप तो नहीं हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है क्वारंटाइन। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन इज व्हाट, कि ऐसा व्यक्ति जो कि बीमारी से सफर हो, उसमें वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट हो, अगर उसको लोगों से दूर रखा जाए तो दैट इज आइसोलेशन। एंड क्वारंटाइन इट मीन्स कि ऐसा व्यक्ति जिसमें संक्रमण के लक्षण अभी तो दिख नहीं रहे, अभी वो एकदम हेल्दी है, परंतु क्या उसमें वो लक्षण डेवलप तो नहीं हो रहे, इसके कारण उसे लोगों से अलग रखना, दैट इज कॉल्ड क्वारंटाइन। सो दोस्तों होप सो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।